बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी और क्विक सी रेसिपी, जो है चिकन टेम्पूरा की। और ये बहुत ही मज़े की बनती है, इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों को भी ज़रूर बना के दें। ये देखें बहुत ही मज़े की बनती है, इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए देखते हैं कि ये बनाते कैसे हैं। तो देखें, इसको बनाने के लिए ये देखें, आपने लेनी है बोनलेस चिकन ब्रेस्ट जो होते हैं वो लेने हैं आपने, और आपने उनको लंबा लंबा ये देखें ऐसे आपने काट लेना है, ठीक है। और ऐसे काट के तकरीबन जो है टोटल थी आधा किलो, तो आप ये ऐसे काट लीजिएगा। और इसके बाद फिर इसमें हमने ऐड करना है 1 टेबल स्पून के जितना। ये देखें, सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन जूस, ठीक है। तो लेमन जूस ऐड कर दिया है, और लेमन जूस के बाद आपने ऐड करना है बस सिर्फ जस्ट 1/2 टीस्पून ऑफ आप इसमें ऐड करेंगे, ये है लहसुन का पाउडर, ठीक है। 1/2 टीस्पून आप इसमें ऐड करें और इसको मिक्स कर लें, और फिर इसको रख देते हैं साइड पे। और दूसरी पे आते हैं, इसकी कोटिंग जो तैयार होगी उस पे आ जाते हैं, वो तैयार करते हैं। तो देखें, इसकी कोटिंग के लिए आपने एक बाउल लेना है, और उसमें ये देखें 1 कप के जितना आपने ऐड करना है मैदा, ठीक है। 1 कप आप ऐड कर लें मैदा, और फिर आप ऐड करें ये देखें, ये है बेकिंग पाउडर, और ये ऐड होगा 1 टीस्पून के जितना। ये ऐड कर लें बेकिंग पाउडर, और उसके बाद हमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून के जितना मेरे पास है कॉर्नफ्लोर, तो कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर लेते हैं 1 टेबल स्पून के जितना। सॉल्ट ऐड कर लेते हैं 1/2 टीस्पून के जितना, 1 टीस्पून के जितनी इस आप इसमें ऐड करें, ये है सफ़ेद मिर्च का पाउडर, और इसमें ये आप ऐड करें 1 टीस्पून के जितना। और उसके बाद आपने ऐड करने हैं ये हैं देखें 2 अंडे लिए हैं, और अंडों की आपने सिर्फ सफ़ेदी लेनी है, और सफ़ेदी इसमें ऐड कर देनी है। एग वाइट आपने लेना है और वो उसमें आपने ऐड कर देना है। उसके बाद आपने एक बैटर तैयार करना है इसका। चलें इसको मिक्स कर लेते हैं, और थोड़ा थोड़ा सा ग्रेजुअली हम पानी भी ऐड करेंगे और एक बैटर सा तैयार करते हैं। ये देखें, तो देखें ये बैटर तैयार हो गया है, और तकरीबन ये 1 ग्लास के जितना ये मैंने इसमें ऐड किया है, और इसको और अच्छे से कर लें। बस इतना आपने करना है कि इसकी इजीली कोटिंग हो जाए। तो इसको मिक्स कर लेती हूँ और इसको साइड रखती हूँ, और फिर बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है आपने। एक ड्राई कोटिंग बनानी है, हम उसकी तरफ चलते हैं फिर। तो देखें, ड्राई कोटिंग के लिए ये देखें 1/2 कप के जितना मैं ले रही हूँ मैदा, ठीक है। और आपने लेना है 1/2 टीस्पून के जितनी ये है सफ़ेद मिर्च, ये इसमें ऐड कर लें जस्ट 1/2 टीस्पून। और उसके बाद आपने 1/2 टीस्पून ही आपने ऐड करना है इधर सॉल्ट, तो सॉल्ट ऐड कर लेते हैं, और फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये ड्राई कोटिंग जो है आपकी रेडी हो गई है। अब जो अभी चिकन हमने लेमन और गार्लिक पाउडर लगा के रखी थी, उसको फर्स्ट हमने इसमें डिप करना है, कोट करना है, तो ये कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो देखें, ये हमने चिकन लेनी है ये, और फिर इसको देखें ऐसे जस्ट आपने कोट करना है, ये देखें, ठीक है। ऐसे कोट करके ये देख रहे होंगे आप, और फिर आपने एक प्लेट लेनी है और उसमें आपने रख देने हैं ऐसे करके, ठीक है। ऐसे मैं सारे कर लेती हूँ। देखें, ये सारी कोटिंग कर लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब आपने पैन रख देना है स्टोव पे, और उसमें आपने ऑयल ऐड कर देना है, और ऑयल थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है क्योंकि आपने इसको करना है डीप फ्राई। तो आप अपने पैन के हिसाब से देख लीजिएगा, और उतना ये ऑयल ऐड कर दिया है मैंने। इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, फिर ऐड करते हैं जो बनाए हैं। तो देखें, जितने ऑयल गर्म हो रहा है, आपने जस्ट जो अभी ड्राई कोटिंग की थी आपने, तो ये आपने टेम्पुराज ये देखें जस्ट ये ऐसे बस, ठीक है। ये लिक्विड आपने करनी है ये वाली कोटिंग, और फिर इसको आपने जस्ट अपने पैन में ऐड कर देना है। तो ये देखें ऐसे आप ऐड करते जाएं, ठीक है। ये जो ड्राई कोटिंग की थी उसको आप लिक्विड में डिप करें बैटर में,
और जस्ट इसको ऐड करते जाएं आप। ये देखें, ऐसे ही सारे आप ऐड कर लें और उनको फ्राई कर लें। एक साइड से हो जाएं ये गोल्डन, तो फिर नेक्स्ट साइड इसका पलट दें। सारे कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने इसको पलट दिया है और आप इसका कलर देख रहे होंगे। अब जस्ट मैं इसको निकाल लूँगी और बाकी सारे भी फ्राई कर लूँगी। और बहुत ही मज़े की एक अमेजिंग सी रेसिपी है, इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मैं आपको ज़रूर सर्व करके दिखाती हूँ। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।